इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मा सारे काम करती थी घर के, अब तो शहजादे हैं ना हमारे बच्चे, काम और बच्ची, यानी बच्ची मेके से वापस आती है तो सबसे बड़ा दुखड़ा ये सुनाती है कि वो काम बड़ा कराते हैं, यही है ना दुखड़ा। हाँ ना तो करें, सबसे बड़ा दुखड़ा क्या है पता नहीं, क्या कराते होंगे, हाल नहीं चलवा लेते कहीं, या कुछ चक्की नहीं पिसवा लेते, पता नहीं कौन सा ऐसा काम है। और मैं, आप नाराज ना हो जाना, मैं भी बेटी का बाप हूँ, मैं भी बहनों का भाई हूँ, मैं भी इस बात को समझता हूँ, लेकिन एक बात जहन में रखना कि ये बात नहीं है कोई करने वाली कि सारे बच्ची के माँ बाप जमा होकर पहुंच जाते हैं हमारी बच्ची जी काम बड़े करती है। मसलन क्या करती है, क्या करती है वो, आओ मैं बताऊं मेरे मुस्तफा की बेटी क्या करती थी। मैंने सैकड़ों दफा ये बात की है और मेरा दिल करता है रोजाना करूं, फिर करता हूं। दुनिया में कोई इतना गरीब है जिसकी बेटी इतना काम करे कि हाथों पे छाले पड़ जाए, है कोई इतना गरीब तो उठ के बताए कि मेरी बेटी ससुराल में इतना काम करती है कि छाले पड़ जाते। मैं दिखाता हूं मेरे रसूल की शहजादी को छाले पड़ जाते। कच्चा मकान, जनाबे फातिमा जनाबे फिजाब की लौंडी थी, उनसे मिट्टी मंगाती और घर में लेपा पोती करती, फिर झाड़ू देती। इमाम हसन और हुसैन के दरमियान पूरे साल का फर्क नहीं, 11 महीने का फर्क, दोनों बच्चों को संभालती। जनाबे अली की वालदा हजरत फातिमा बिनते असद बूढ़ी थी, जनाबे फातिमा वो खोल के नौकरी करती कि हजरत फातिमा बोल पड़ती, हजरत फातिमा बिनते असद बोल पड़ती, कहती बेटे फातिमा मेरा इतना ना ख्याल रखा कर, तेरे अपने भी बच्चे हैं। जनाबे फातिमा फरमाती आप सिर्फ अली की माँ तो नहीं ना, आप मेरी भी तो माँ है ना। यहाँ बीबियां फलसफा बयान करती हैं, वो कहती हैं जी किस हदीस में आया है सास ससुर की खिदमत फर्ज है। मैंने कहा किसी में भी नहीं आया, हम क्या कह रहे हैं किसी में भी नहीं आया, लेकिन ये तो आया है ना कि शौहर राजी हो तो अल्लाह राजी रहता है, तो अगर शौहर माँ बाप की खिदमत से राजी होता है तो करो खिदमत, इसको तो राजी करना है ना, इस पर तो तवज्जो दो। हजरत फातिमा फिर चक्की पीसती, चक्की चक्की, ये आसान जुमला नहीं कह जाते हम, सुन लेते हैं आप, चक्की पीस कर, जौ पीस कर, उसका आटा बनाना, फिर बच्चों के लिए खाना पकाना। फिर एक दिन कहने लगे अली आपकी आमदन थोड़ी है, खर्चे ज्यादा, चरखा नहीं ला देते। फातिमा क्या करोगी, फरमाया थोड़ा सा सूत बना लिया करूंगी, तुम बेच आया करना, चलो मैं थोड़ा हाथ बटाऊंगी। ये सारी ड्यूटियां करके हजरत हसन बरवाते हैं, फिर इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी, फिर शानों वाले नबी की शानों वाली बेटी, फिर पाक महबूब की पाक शहजादी, सारी ड्यूटियां करके रात को मौला अली से कहती अगर आप इजाजत दें तो अल्लाह को राजी ना कर लूं। हजरत अली फरमाते फातिमा जैसे दिल करे, तो इमाम हसन कहते हैं फिर मेरी माँ मुसल्ला बिछा ले, मुसल्ला, और फिर सारी रात वो नमाज पढ़ती सारी रात, और फरमाते हैं जब सवेरे हाथ उठाती तो पहली दुआ ये करती, ए अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत पे रहम फरमा, ए अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत पे रहम फरमा। तो कहते हैं जमाने बीत गए ये दुआ सुनते, तो एक दिन मैं करीब गया तो मैंने कहा अम्मी हुजूर कोई दुआ मेरे लिए भी कर दे, कोई हुसैन के लिए भी कर दें, कोई जैनब के लिए भी कर दें, सारी दुआएं उम्मत मुस्तफा उम्मत मुस्तफा उम्मत मुस्तफा। कितना बड़ा जुमला है, कितना बड़ा शेख मुहक्किक ने लिखा है, कितना बड़ा। जनाबे फातिमा फरमाने लगी तेरे लिए भी करती हूँ, हुसैन के लिए भी करती हूँ, जैनब के लिए भी करती हूँ, सबके लिए करती हूँ, पर बेटा याद रखना फातिमा की दुआओं पर पहला हक मेरे रसूल की उम्मत का है। फातिमा की असल में बात बहुत खुशी की सुना दी मैंने आपको, लेकिन आप वही सुस्त के सुस्त रह गए। ये किसी आम आदमी की दुआ नहीं, पीर साहब की दरवेज साहब की रटी रटाई दुआ नहीं, ये सैयदा फातिमा की दुआ है। आपको इतना बड़ा खजाना मिल रहा है और आप समझे नहीं बात को। हजरत फातिमा फरमाने लगी मेरी दुआओं पर सबसे ज्यादा हक मेरे रसूल की उम्मत का है, तो मैं ये हक हमेशा अदा करती रहूंगी, मैं उन्हें दुआएं हमेशा देती रहूंगी।